हेलो एवरीवन, वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.7 ऑफ द क्लास 9th. ओके, एक्सपोनेंट ऑफ अ रियल नंबर्स जो हम पढ़ रहे थे आपके, हम वहाँ पर रैशनल नंबर्स पढ़ रहे थे, राइट? रैशनल नंबर्स में अब आपको एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना है. वैसे हम अभी 8th क्लास का टॉपिक भी एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ रहे हैं, तो आप लोग वहाँ से भी इसे वापस रिवाइज कर सकते हैं. और आप लोगों ने अभी ऑलरेडी 8th क्लास में इसको पढ़ रखा होगा बहुत अच्छे से, बट आपका दोबारा रिविज़न है. तो ये वही टॉपिक है. सिर्फ एक बात बताओ, यहाँ पर एक 2 का मैं पावर लगाऊँ और मैं 1/2 की पावर लगाऊँ, दिस इज़ आवर रैशनल नंबर, बट इट इज़ ऑल्सो ए रैशनल नंबर, तो क्या फ़र्क है? सिर्फ सेम कहानी चलती है. वहाँ पर हमने सिर्फ नंबर्स के क्यूब एंड स्क्वायर पढ़े या पावर पढ़े, तो यहाँ पर सिर्फ क्या है आपके, रैशनल नंबर के क्यूब एंड स्क्वायर है. सो बात आती है, आपको निकालने हैं एक्सपोनेंट एंड पावर. पावर क्या होती है आपकी, मैं बता देती हूँ ऑलरेडी आपको. इसे मान लीजिए 2 की पावर 3, तो उस 2 को कितने टाइम लिखना है आपको, 3 टाइम्स लिखना है. मतलब जो भी संख्या पावर में दे रखी है उतने टाइम लिखो. पावर का मतलब उतना टाइम, उतनी बार उसको इतना मल्टीप्लाई करना है. मान लो 5 की पावर 3 है या 5 की पावर 4 है, तो उस 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, जितनी पावर है, पावर कितनी है, 4, 4 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 5 की पावर 4. इसके बाद में इसके लॉ होते हैं हमारे जो एक्सपोनेंट के, वो मैंने कल पढ़ा दिए 8th क्लास को. ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन, व्हाट इट विल बिकम, ए की पावर. जब भी बेस सेम होता है घाते क्या होती है आपकी, पावर्स हमेशा ऐड हो जाती है, राइट? सेकंड था हमारा इफ़ ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन. जब भी बेस सेम हो लेकिन वो डिवाइड में हो, हमेशा क्या होता है, वो पावर घट जाती है. मैंने कल इनका प्रूफ भी बताया था एक एक प्रॉपर्टी का. सो प्लीज़ वॉच माई वीडियो ऑफ द क्लास 8th एक्सपोनेंट एंड पावर, आपको एक क्लियर हो जाएगा. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का कल मैंने वीडियो डाला था, उसमें आप इसको ज़रूर देखिएगा. मैंने वहाँ सबके इसके प्रूफ सॉल्व कर रखे हैं. उसके बाद में आता है थर्ड आपका, अगर ए की पावर एम इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में हो, जब बेस के ऊपर दो दो पावरें चल रही हो, तो हमेशा क्या होती है, पावरें मल्टीप्लाई हो जाती है. तो आप इसको लिख सकते हो थर्ड प्रॉपर्टी, ए की पावर एम एन इक्वस टू ए की पावर ए मल्टीप्लाई एन. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है आपकी, अगर यहाँ पर ए की पावर एम मल्टीप्लाई बी की पावर एन है, तो क्या होता है वो, अब यहाँ पर बेस अलग है तो घाते क्यों जुड़ेगी, नहीं जुड़ेगी. तो आप इसको क्या लिखोगे डायरेक्ट, ए की पावर, सॉरी घाते सेम है, अब ए की पावर भी एम है और बी की पावर भी एम है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, अब यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बी, प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर दो, पावर नहीं जुड़ती अब, ये इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर सेम पावर लगा दो, ठीक है. फोर्थ अगर आपको ऐसा दे दे, फिफ्थ, वो ए की पावर एम अपॉन बी की पावर एम, तो आप क्या कर सकते हो, इसको लिख दो पहले ए अपॉन बी और फिर एक साथ पावर लगा दो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है. उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट, बट बी हमेशा जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बी जीरो हुआ तो क्या हो जाएगा, बी जीरो हुआ तो इन्फाइनाइट बन जाएगा और इन्फाइनाइट का कोई एक्सपोनेंट नहीं निकलता. नेक्स्ट है आपका एक आपको इस तरीके से दे दे, मैंने बताया था कल एक्सपोनेंट पावर के अंदर. अब बताओ यहाँ पॉजिटिव पावर, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए की पावर माइनस वन. मैंने बताया था कल कि यहाँ पर अगर 2 की पावर 2 है, इसको नेगेटिव बनानी है, तो क्या कर दो, इसको ऊपर ले जाओ 2 की पावर माइनस 2. मान लो यहाँ पर कोई 2 की पावर माइनस 4 है, इसको पॉजिटिव बनाना, क्या करो, इसको नीचे ले आओ 2 की पावर 4. तो हमेशा क्या होता है, ये एक दूसरे के इन्वर्सली अपोजिट होते हैं. प्लस है तो ऊपर ले जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस होता तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता. तो किस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो, 1/(a)-m होता तो क्या लिख देते इसको, आप ए की पावर एम भी लिख सकते थे. नेक्स्ट है आपका ए की पावर 0. लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी 8th, किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या के पावर अगर 0 है तो हमेशा क्या देगा रिजल्ट, 1 देगा. हमेशा क्या देगा वो रिजल्ट, 1 देगा. अब हम क्या करेंगे इस पर बेस्ट क्वेश्चन. ये तो थी पावर लगाना. मान लीजिए 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 होती है, 2 मल्टीप्लाई 2. लेकिन अब उल्टा पूछ ले कि आपको एक्सपोनेंट निकालना है, रूट निकालना है पॉजिटिव रियल नंबर्स का. आपको क्या निकालना है अब, रूट. ये तो था आपको पावर्स निकालनी थी, अब पावर्स का अपोजिट क्या होता है,
लाइक जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 की पावर क्यूब निकालो, तो आपने क्या करा मैम 8, लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि इस 8 का क्यूब रूट निकालो, तो क्या निकालना है आपको, उल्टा चलना है। तो कहने का मतलब उसको तो क्या बोलते हैं जब हम पावर निकालते हैं कि पावर निकालना, और जब अपोजिट आते हैं तो उसको बोलते हैं हम रूट निकालना। अब अगर पावर 2 है तो उसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, पावर क्यूब है तो बोलते हैं क्यूब रूट। अब जो भी जैसी भी पावर होगी उसको उसी का मानकर हम क्या कर सकते हैं, रूट बोल सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे nth रूट के लिए, पता नहीं कितने रूट भी निकलवा सकते हैं हमसे, तो हम nth रूट के लिए पढ़ेंगे हम यहाँ पर। तो nth रूट कैसे निकालते हैं, हम nth रूट निकालते हैं यहाँ पर। मैंने मान लिया कि अब भी nth रूट कब निकलेगा, जब पावर भी कोई n होगी। मैं मान लेती हूँ मैंने कोई एक ही पावर n कुछ भी निकाल दिया, इसका आंसर आया मेरे पास x, तब आपको x का क्या निकालना है, nth रूट निकालना है। तो आपको क्या मिलेगा, फिर a मिलना चाहिए। तो देखो ये कह रहा है आपका कुछ इस तरीके से कि आपको जब भी रूट निकालना होता है, लाइक मैं आपको बता दूं, जैसे आप 2 की पावर स्क्वायर है, मैं कहूँ आपका इसका nth रूट निकालना है, तो आप कैसे लिखोगे, अंडर रूट, कितना निकालना है इसका, स्क्वायर रूट निकालना है और 2 लिख दो अंदर। मैं कहूँ आपको 5 का क्यूब रूट निकालना है, तो आप कैसे लिखोगे, 5 रूट, लेकिन क्यूब निकालना है तो क्या 3। मैं कहूँ कि आपको 6 का 6 रूट निकालना है, तो अंडर रूट तो बनाना ही बनाना है, पर यहाँ पर लिख दो 6। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 1/2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 की पावर 1/3, और इसको आप लिख सकते हो 6 की पावर 1/6। कहने का मतलब अंडर रूट का मतलब ही होता है पावर का हाफ बन जाना, मतलब पावर जब 1/ में आ जाए तो मतलब आप क्या कर रहे हो, उसका रूट निकाल रहे हो, और रूट आपको जिसका भी निकालना है वो बन जाएगा। हमेशा आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हो, आप लोग रूट का मीनिंग समझते हो स्क्वायर रूट, आप हमेशा इसी को ही रूट बोलते हो। जो हम ऐसा निकालते हैं ना, 4 का रूट क्या होता है 2, तो आप इसी को बोलते हो 2। ये 2 बेटा स्क्वायर रूट है, ना कि ये रूट है। रूट तो कितने भी हो सकते हैं, रूट तो 1/6 की फॉर्म में भी हो सकता है, बट ये होता है हमारा स्क्वायर रूट। तो आप ध्यान रखें, नेक्स्ट टाइम बोले तब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में डिफरेंस पता कर लें, फिर ही आप बोले, ठीक है। तो हम एक बार एग्जांपल करेंगे, आई होप आपको एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल नंबर 1, एंड व्हाट इज सेइंग दैट सिंप्लीफाई 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3। ये कुछ इस तरीके से कह रहा है 2 की पावर, थोड़ा सा इसको ऐसे तिरछा लिखो अच्छा लगेगा, 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/3। अब कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करो, कितना इजी है। अभी हमने पढ़ा प्रॉपर्टी से फर्स्ट कि जब बेस सेम होती तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो बेस सेम है तो घातों को मैं क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ, 2/3 प्लस 1/3। बताओ क्या बनेगा, 2 की पावर 3 को एलसीएम ले लो। अब यहाँ पर भी अलग ऑपरेशन चल रहा है, ऊपर यहाँ पर एलसीएम बन गया आपका, तो ऊपर क्या बन जाएगा 2+1। तो देखो ये क्या बन गया, 2 की पावर 3/3 कट गए ये दोनों, कट के क्या मिलेगा मुझे 1, तो क्या बचा लास्ट में 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 क्या होता है 2। दिस इज़ माई आंसर। लेकिन अब ऐसा कुछ कह दे नहीं बने 1, तब क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन है एक बार आपका देख लो, 6 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1/2। आपको बोला इसमें 6 नंबर का है और ये फर्स्ट नंबर का था एग्जांपल 1 में, उसको करो, कहा हमने जब बेस अलग हो लेकिन पावर सेम हो तब क्या कर दो, बेस को तो अपने आप मल्टीप्लाई कर दो और पावर्स को सेम रहने दो, ठीक है। क्या बन जाएगा ये 6 7 42, 42 की पावर क्या बन गया है, ये हाफ बन गया है। अब बताओ 42 का मैं अगर अंडर रूट निकालूं, सिर्फ मुझे पावर में बताना है, इसको सॉल्व नहीं करना पूरा, इसको मैं यहीं क्या कर दूंगी, छोड़ दूंगी। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल नंबर 2। अब आपको इसमें क्या करनी है, आपकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब तो आपको क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो बोल रहा है सिंप्लीफाई 32 पावर 2/5, आपको बोल रहा है यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2, 32 पावर 2/5 एंड सॉल्व दैट क्वेश्चन। आपको इसको सॉल्व करना है और इसको लाकर आपका आंसर निकालना है। अब ध्यान से देखो, 32 को मैं ऐसा क्या लिखूं कि 5 कट जाए, क्योंकि बेटा
वन अपॉन फाइव कभी निकालना सीखा है क्या? आपको टू आता है, आपको रूट थ्री भी आप निकाल सकते हो जहाँ तक आपको क्यूब याद है, बट ये फिफ्थ रूट तो हमने कभी सीखा ही नहीं और ना ही हमें आता है। क्योंकि तो मुझे ये तो पता है फोर का रूट स्क्वायर रूट होता है टू, लेकिन थ्री का क्यूब रूट होता है, सॉरी 27 का क्यूब रूट होता है थ्री, बट मुझे ये तो पता ही नहीं है कि फिफ्थ रूट कैसे होते हैं। ये मैं बता दूँ आपको उल्टा, मैंने आपको जब स्क्वायर लिखवाए थे आपको यहाँ पर और आपको क्यूब लिखवाए थे तो उसके अंदर आपको नहीं लिखवाए, शायद मैं लिखवा देती हूँ एक बार। लाइक जैसे एक वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, क्या होता है? वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, फाइव का स्क्वायर 25, सिक्स का स्क्वायर 36, सेवन का स्क्वायर बनेगा आपका 49, एट का स्क्वायर बनेगा 64 और नाइन का स्क्वायर बनेगा आपका 81 और टेन का स्क्वायर बनेगा 100। ठीक है, तो ये आपके बनते हैं स्क्वायर। अब देखो यहाँ मैंने आपको स्क्वायर लिखवा दिए, उसके बाद में आपके स्क्वायर लंबे चलेंगे बहुत, 11, 12, ये तो थी फर्स्ट लाइन। अब मैं 11 के लिख के बता रही हूँ आपको, सारे लिख के बताऊँगी ताकि आपके क्लियर हो जाए। 11 का देखो, 11 का होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169। अगर आप स्क्वायर्स में एक बहुत गहरी चीज़ देखेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छी चीज़ मिलने वाली है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो ध्यान से, बीच वाला फाइव हमारा बीच का होता है ना, हमेशा इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा? फाइव। लेकिन इसके फाइव के बाद में देखो, सिक्स एंड सिक्स, नाइन एंड नाइन, फोर एंड वन एंड वन, किसकी चल रही है यहाँ पर? ये सिक्स नाइन फोर वन, ये सिक्स नाइन फोर वन चलते हैं। मतलब यूनिट डिजिट देखो, फाइव सिक्स नाइन फोर वन, सिक्स नाइन फोर वन, मतलब सिक्स नाइन फोर वन कुछ ऐसे चलेगा और 6941 कुछ ऐसे चलेगा और बीच में क्या है आपका? 5। तो यूनिट डिजिट हो गए आपको, 20 तक तो आपको याद करने पड़ेंगे, हर लाइन में मिलेंगे आपको। 1, 2, 3 थे ना, आप देख लो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 5 होता है और 25 सॉरी, 6 का स्क्वायर 36 का 6 यूनिट डिजिट, 7 का स्क्वायर 49 का 9 यूनिट डिजिट, 8 का क्या होता है 64, 4 यूनिट डिजिट, 9 का होता है 81, 1 यूनिट डिजिट। मतलब वहाँ भी ये कहानी घट रही थी, कहने का मतलब आप यूनिट अब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, आप जब स्क्वायर रूट पढ़ेंगे ना तब मैं उसमें बताऊँगी, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। इतना बड़ा कोई नंबर दे देंगे और कहेंगे कि बताओ इसका स्क्वायर निकालने पर इसका यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, बच्चे निकालेंगे इतने बड़े का स्क्वायर कैसे निकालोगे, इतने बड़े का स्क्वायर मल्टीप्लाई करने बैठोगे आधे घंटा लग जाएगा इतने बड़े नंबर का। तो जब भी हमें पता है, जब हमें यूनिट डिजिट पता है तो फिर हम क्यों निकालें? हमें मान लो कोई बहुत बड़ा नंबर दे दिया, अब इसका अगर मैं स्क्वायर करने बैठूँ तो मुझे कितना घंटा लग जाएगा दोबारा इसको मल्टीप्लाई। मुझे पता है 9, जब भी 9 होता है हमेशा इसका यूनिट डिजिट 1 आता है, कैसे? हमेशा पेयरिंग में चलते हैं, 1 और 9 ऐसे हैं जिनका यूनिट डिजिट हमेशा 1 आता है स्क्वायर करने पर। 2 और 8 की पेयरिंग ऐसी है कि 4 आता है और 3 और 7 की पेयरिंग ऐसी है 9 आता है एंड 4 एंड 6 की पेयरिंग ऐसी है 6 आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, मैं आपको ये स्क्वायर रूट में समझाऊंगी, अभी इतना वक्त नहीं है हमारे पास कि हम इस यूनिट में उसको समझे। उसके बाद में देखो ये चलता है, तो इस तरीके से हमारी पावर चलती है। मैंने आपको पावर्स में लिखवाया भी था, एट्थ वाले में देखना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में जब शुरुआत की थी तो मैंने शुरुआत में यहाँ पर पावर्स लिखवाई थी, टू की पावर्स लिखवाई थी कि टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, टू की पावर फोर, टू की पावर फाइव, टू की पावर सिक्स, टू की पावर सेवन, टू की पावर एट, टू की पावर नाइन, ये कितने काम आते हैं, नाइन भी छोड़ दो इतने ही बहुत है, टू की पावर वन टू, टू की पावर टू फोर, टू की पावर थ्री मतलब टू कितनी बार मल्टीप्लाई थ्री टाइम्स, एट, टू की पावर फोर सिक्सटीन, टू की पावर फाइव 32, टू की पावर सिक्स कितना होता है 64, टू की पावर सेवन 128, टू की पावर एट 256। थ्री में याद कर लो, थ्री की पावर वन, थ्री की पावर टू, थ्री की पावर थ्री, वन में कितना होता है थ्री, थ्री की पावर टू कितना होता है नाइन, थ्री का स्क्वायर, थ्री का क्यूब 27 एंड 3 की पावर 4 81
और 3 की पावर 5 कितना होता है? 243। ठीक है, उसके बाद में आता है 4, 4 की पावर 1, 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 4 का क्यूब जो होता है वो होता है 64, इतना ही बहुत है। या फिर आप 4 की पावर 4 भी करोगे तो बन जाएगा 256, इतना याद कर लो जो ही बहुत है। 5 में देखो, 5 में क्या बनेगा आपका? 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 कितना होता है? 25, 5 की पावर 3 होता है 125, उसके बाद में 5 की पावर 4 होता है आपका 625। तो इस तरीके से आपको याद कर लेने, कुछ तो याद कर लो बेटा, कुछ तो, ज़्यादा मत करो पर इतनी तो याद कर लो। इससे क्या होगा, आपको आइडिया मिल जाएगा ये मैंने कैसे लिखी। मैं बता देती हूँ, 2 को 1 बार मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 2 बार लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 क्या बनता है 4, 2 को 3 बार लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 4 2 8, 2 को 4 बार लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 4 2 8 8 2 16। तो इस तरीके से लिख लिख के मैंने निकाले हैं, बट हमें कहाँ तक इसे निकालेंगे, हमें याद तो करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कि ये ऐसी 32 किसकी पावर बन रही है, 32 ऐसा किस नंबर की पावर बन रही है कि मुझे ये 5 से 5 कट जाए, क्योंकि बेटा 1/1 में निकालना पॉसिबल नहीं है। ये 5 अगर कट जाए तो क्या होगा, 5 कट गया तो मेरे पास 2 आ जाएगा और मैं उसको आसानी से निकाल लूँगी, कैसे वो देखो। तो मतलब 32 को कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा किसी ने किसी की पावर 5 बन रहा हो। कॉमन सेंस लगाओ कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन 1/5 का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, बस एक ही सॉल्यूशन है कि हमको 5 हटाना है। और 5 कब हटेगा, जब यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई होगा तो 5 से 5 कट जाएगा, नीचे वाला जैसे 5 गायब, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, तो अभी 5 बन रहा है, मतलब यहाँ पर ये 32 भी किसी ना किसी की पावर 5 बन ही रहा है। देखो किसकी बन रहा है, 2 की पावर 5 32। 32 को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर 2 की पावर 5 लिख सकती हूँ, ये बन रहा है 2 की पावर 5। मैंने बताया जब ऐसे बन रहा हो, 1 की पावर m और n, दो दो पावर साथ में चल रही हो, क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5। 5 से 5 कट गया, बताओ क्या बचा, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4। हो गया कि नहीं हो गया क्वेश्चन, बहुत ईजी। तो ये क्वेश्चन बेटा तभी ईजी होगा जब आपको ये पावर्स याद होंगी। आप लोग 20 तक तो क्यूब याद कर लीजिए, 40 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, और 30 तक टेबल लर्न कर लीजिए, और ऐसे पावर्स जो मैंने अभी लिखवाई है उन पावर्स को याद कर लो। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में, तभी समझ में आएंगे। बट आप सोचो कि नहीं मैं निकाल लूँ और मुझे अपने आप ही ग्यारह बाबा बनकर मैं कर लूँ, तो नहीं होगा। आप देखो उसके बाद में आया आपका 125 की पावर 1/3, इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है कि भाई 1/3 को कोई सॉल्यूशन हो, नहीं है। एक ही सॉल्यूशन है कि इस 25 को कुछ ऐसा बनाओ कि 3 कट जाए। मुझे पता है ये 5 का क्यूब बन रहा है, क्या बन रहा है ये 5 का क्यूब, तो लिख दो यहाँ पर 5 का क्यूब, और ये बन रहा है 1/3। पावर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 कट गया, क्या बचा 5 की पावर 1, तो क्या आ गया इसका आंसर, 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद में है आपका एक क्वेश्चन 36 की पावर 3/2, 36 की पावर है, फिर इसको ढंग से लिख लो 3/2। अब देखो 36 क्या बन रहा है, पक्का मुझे 2 हटाना है, तो ये भी किसी न किसी का पावर 2 ही बन रहा होगा। किसका बन रहा है, 6 की पावर 2। 36 को क्या लिख दूँ मैं, 6 की पावर 2 3/2 मल्टीप्लाई होगा, बताओ ये पावर 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा 6 की पावर क्यूब। 6 की पावर क्यूब कितना होता है, करके देख लो, 6 से 36 36 6 2 16, 6 का क्यूब होता है 216। देखो मैंने अभी बोला आपसे 20 तक क्यूब याद कर लो, आ गया ना 6 का क्यूब। कहने का मतलब जिस बच्चे ने मेरे अकॉर्डिंग इतनी कैलकुलेशन याद कर ली ना अपनी लाइफ में, तो मुझे नहीं लगता वो कहीं रुकेगा, और उसको ये वाली प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि मोस्टली आपके सारे क्वेश्चन अराउंड इसी के ही सॉल्व हो जाएंगे जो मैंने बताए, उन कैलकुलेशन के ही सॉल्व। ठीक है, उसके बाद में आ रहा है आपका सिंप्लीफाई, आपको सिंप्लीफाई करना है, या फिर देखो एक और क्वेश्चन है वो भी लिख लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 0.0064 की पावर है आपकी -2/3, राइट। अब आपको ये बोला है इसको सॉल्व करना है, अच्छा क्वेश्चन है, आप अटकेंगे मुझे पता है इसके अंदर, क्या करूँ मैं पहले बेटा, यहाँ पर रैशनल नंबर होता, इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं एक्सपोनेंट में,
आप सबसे पहले इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले मेरे एक्सपोनेंट का वीडियो देख लें, एट्थ क्लास की दो वीडियो डाले मैंने, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और इसका एक पहले वाला, और तो दोनों को ज़रूर देखें, आपको ये समझ में तभी आएगा। ये पावर को मुझे पॉजिटिव बनाना है, क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को बदलना पड़ेगा। अब ये कब बदलूँ मैं वो देखते हैं, पहले इसको रैशनल नंबर में बना लूँ, ये पॉइंट हटा के डेसिमल हटाना है मेरे को, किसी भी करके डेसिमल हटाऊंगी, कितनी संख्या के बाद में लगा, एक दो तीन, नीचे कितनी आ जाएगी, 3 0 आ जाएगी, और उसके बाद में मैं लिख दूँ इसको -2/3। अब इसको थोड़ा ढंग से लिख दूँ, आगे की जीरो कोई मतलब ही नहीं होता, मिटा दो, क्या बन गया ये 64/1000 की पावर -2/3। इस पावर को प्लस बनाना है, क्या कर दूँ मैं इसको पलट दूँ, 1000 का चला जाएगा ऊपर, 64 का आ जाएगा नीचे, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 2/3। पावर नहीं पलटनी है, ये पलटता है हमेशा, पावर कभी नहीं पलटती, पावर वही चलती है। अब आ गया 2/3, अभी थोड़ी देर पहले हम ऊपर वैसे क्वेश्चन कर रहे थे ना, वैसा बन गया। अब बताओ क्या करूँ मैं, इस 3 को हटाना है, ध्यान से देखो दोनों की दोनों कुछ ना कुछ बन रहे हैं, हमें 1000 को भी क्यूब में लिखना है और 64 को भी क्यूब में लिखना है, तभी तो आप कर पाओगे इसको। 1000 क्या बनेगा मेरा 10 का क्यूब, और 64 बनेगा मेरा 4 का क्यूब, अभी मैंने लिखवाया थोड़ी देर पहले, तो ये क्या बनेगा आपका 2/3। अब ध्यान से देखो, अब मैं लिख सकती हूँ a की पावर क्यूब b की पावर क्यूब, जब पावर सेम हो बेस अलग हो तो आप उन्हें कंबाइंड लिख सकते हो, या लिख सकते हो आप 10/4 इसकी पावर, क्या लिख दोगे आप कंबाइंड में 3, और ये चल रहा है आपका ऊपर 2 × 2/3 चल ही रहा है, बताओ 3 से 3 कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा, क्या बचा यहाँ पर 10/4, अब इसकी पावर क्या बच गई ऊपर स्क्वायर 2, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये तो आसान है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपॉन 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो आपका 100/16 का आंसर आ गया। गलती से भी ये मत कर देना, क्योंकि ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, आप ऐसे ही किसी को भी किसी पावर से नहीं उड़ा सकते, पावर लगेगी तो उस पूरे पे लगेगी, ना कि अकेले इस पर, आप पता चले कि स्त्री से स्त्री को काट दो और ये 3 एज इट इज़ रहने दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, तो ऐसी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपके एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 क्लियर हो चुके हैं। करंट वाली जो एक्सरसाइज अभी चल रही है, नहीं नहीं आप उसको ज़रूर देख लें, दोनों वीडियो देखें आपको तभी क्लियर होगा ये पॉइंट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।